सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैडी है और आज इस वीडियो में जो हम लोग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं जो है आपका रेडमी नोट 11 प्रो वर्सेस पोको F3 GT। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका कंपैरिजन स्पीड टेस्ट करेंगे और चेकआउट करेंगे कि कितना अच्छा जो है कि इसका परफॉर्मेंस है। हालांकि दोनों में जो है 10-15,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट फिर भी हम लोग ये कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा फ़ोन जो है फास्ट है और क्या रेडमी नोट 11 प्रो जो है वो पोको F3 GT को बीट कर सकता है कि नहीं, एटलीस्ट वो लेवल पर आ सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्विच ऑफ करके देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है कौन सा स्विच ऑफ होता है। दोनों में भी MIUI है, दोनों भी एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाला पिंग से रिलेटेड वरना कुछ भी। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो आप लोग थोड़ा समझ लो। यहाँ पे जो है हमने पावर ऑफ किया है, दोनों भी एक ही टाइम पे हुए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी पावर ऑन करके देख लेते हैं कि कौन सा जो है जल्दी ऑन होता है। तो मेरे राइट साइड में रेडमी नोट 11 प्रो है और मेरे लेफ्ट साइड में जो है पोको F3 GT है। आपको पता है गेमिंग वाला जो है फ़ोन है और दोनों में जो है 10-12,000 रुपये का डिफरेंस है। फिर भी जो है इसका हम लोग कंपेरिजन करके देख लेते हैं, क्योंकि रेडमी नोट 11 प्रो जो है वो अभी भी लॉन्च हुए, 1-2 महीने ही हुए उसको लॉन्च होते हुए। वैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारा पोको F3 GT है वो सबसे पहले जो है बूट हो चुका है और अभी तक जो है रेडमी नोट 11 प्रो नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस बात करेंगे एप्लीकेशन ओपनिंग की कि कौन सा जो है फास्ट कैसा चलता है, क्योंकि रैम मैनेजमेंट किसकी अच्छी है वो देखनी पड़ेगी। दोनों में भी जो है 8 GB रैम है, तो मैं दोनों को ओपन करके देख लेता हूँ। आपको पता है पोको F3 GT का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, जबकि आपके रेडमी नोट 11 प्रो में G96 हीलियो प्रोसेसर है, जो कि इतना कुछ खास नहीं, एक मिड लेवल जो है प्रोसेसर है। तो दोनों को ओपन कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा है। जैसे कि अभी देखो मैं कुछ जो है चीज़ें ओपन करता हूँ कैमरा के टाइम पे भी थोड़ा सा जो है बाद में रेडमी नोट 11 प्रो ओपन करते हो, बहुत कुछ जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि रेडमी नोट 11 प्रो जल्दी लोड हो रहा है। आपने देखा डेटा जो है जल्दी लोड कर पा रहा है। हम लोग वेबसाइट भी लोड करके देखेंगे कि कौन सा जो है जल्दी लोड होता है। यूट्यूब ऑन करके देख लेते हैं, यूट्यूब ऑन करने के बाद भी आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ पर जो एक साइन इन का ऑप्शन आया है उसके लिए मैं भी आप लोगों को क्लैरिटी भी बता दूँ कि कौन सा जो है कितने मेगापिक्सल तक जो है कितने पिक्सल्स तक खींचता है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों रेडमी नोट 11 प्रो और ऊपर के साइड में रखा है मैंने पोको F3 GT। तो आप लोग देख सकते हो दोनों की क्लैरिटी दिखाने जाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो। एक थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंगली लगा कि रेडमी नोट 11 प्रो जो है वो डिस्प्ले क्वालिटी और उसमें भी मुझे जो है थोड़ा सा डिफरेंस लगा, आपके रेडमी नोट 11 प्रो जो है थोड़ा सा अच्छा लगा। सेटिंग ओपन करके देख लेते हैं और बाकी चीज़ें भी ओपन करके देख लेते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि MIUI सेम है, आप लोगों को पता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें डिफरेंस नहीं मिलता है। मैं अबाउट फोन पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो तो उसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। हालांकि ऐसा भी है कि स्पीड थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि जो है पोको F3 GT है वो मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ और रेडमी नोट 11 प्रो वो अब भी मैंने लाया है, तो इसके अंदर जो है कोई स्टोरेज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। देख सकते हो अभी भी जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं रेडमी नोट 11 प्रो, जबकि पोको F3 GT जो है लोड हो गए। अभी सबसे मेन मतलब पबजी BGMI, तो हम लोग BGMI को ओपन करके देख लेते हैं, हमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोनों में भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, दोनों में भी जो है सेम सारा चीज़ सेम ही ऑलमोस्ट, तो देख लेते कौन सा पहले लोड होता है। जो है लोड हो रहा है, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जो है लोड हुआ है आपका पोको F3 GT, तो एक क्लियर विनर है। यहाँ पे जो है रिसोर्स पैकेज वाला आया है इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं, वापस आप लोगों को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क रखे हैं, हम लोग एक एक करके चेक करके देख लेते हैं कि वो टास्क बैकग्राउंड में है कि उड़ वो एप्लीकेशन को वापस रीलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों भी मोबाइल में जो है वो टास्क वैसे के वैसे ही है, पीछे कोई भी उसमें प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहा है। देख सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बाकी गाइस देख लो जीपे वरना ऐसा कुछ भी ओपन कर लेता हूँ मैं, कुछ भी मेरे को एक थोड़ा भी जो है मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया है रैम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि बहुत पहले जो है मैं अभी पहली बार मैं स्पीड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत कर रहा था मैं, तो आप लोगों को पता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं रहती कि पीछे का बैकग्राउंड का एप्लीकेशन ही डिलीट कर देते। अभी दोनों को जो है मैं एक ही टाइम में इंस्टॉल करके देख लेता हूँ कि कौन सा जो है अच्छी तरीके से जो है इंस्टॉल कर लेता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज़ आपका जो है पोको F3 GT है उसने जो है पहला उसको डाउनलोड किया, लेकिन जो है ओपन होने में टाइम लग गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है रेडमी नोट 11 प्रो जो है। अभी बात करेंगे गाइज़ नेक्स्ट चीज़ की, तो नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वेबसाइट। तो देख सकते हो वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका पोको F3 GT है उसने पहले सब लोड कर दिया है डेटा,
और दोनों भी एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है फिर भी। और जबकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे Redmi Note 11 Pro में अभी भी डेटा जो है लोड नहीं हुआ है, तो उसको टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाईफाई का जो चिप है, अभी हम लोग जो इसकी स्पीड टेस्ट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरा जो वाईफाई है वो 25 Mbps का है। देख सकते हो जो आपका Redmi Note 11 Pro है वो ज़्यादा बता रहा है, बट जो वेबसाइट लोड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपका पोको F3 GT है वो कम बता रहा है बट वेबसाइट ठीक से लोड कर रहे हैं। तो वो अपना अपना हिसाब है उनका कि कैसा जो है वाईफाई ये मतलब चिपसेट के हिसाब से। बट फिर भी जो है Redmi Note 11 Pro में जो है स्पीड टेस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब आपको PUBG वरना BGMI में जो है लो पिंग शायद ही मिलेगा अगर आपका अच्छा वाईफाई है तो, ठीक है। तो बाकी जो ये चीज़ गाइज सब कुछ सेम ही मुझे लगी, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, बट क्लियर विनर अभी भी यहाँ पे जो है पोको F3 GT है। ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, ऐसा है कि उसमें जो है प्रोसेसर और उसका जो है रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, उसमें कुछ ज़्यादा जो है आपको लैग नज़र नहीं आने वाला। तो अगर आप लोगों को जो दोनों में से कोई भी डिवाइस लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका बजट जो है अच्छा खासा है, बजट जो है 30,000 तक है, अलाउ कर सकता है आप लोगों को, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोग ये पोको F3 GT की तरफ जा सकते हो। और अगर आप लोगों का जो है बजट एकदम स्ट्रिक्ट है, तो आप लोग 20,000 रुपये के अंदर है, तो आप लोग Redmi Note 11 Pro को लो, क्योंकि Redmi Note 11 Pro में जो है गेमिंग से बढ़कर भी और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कैमरा। तो कैमरा क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, पोको F3 GT कभी भी उसको कैमरा में बीट नहीं कर सकता, इतनी अच्छी क्लैरिटी यहाँ पर हमें मिलती है। बट प्रॉब्लम वही है, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है गेमिंग के लिए नहीं बनाया, एक मिड लेवल की गेमिंग छोटी मोटी आप लोग गेमिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर जो हैवी गेमिंग आप इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगता है जरूर से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है वरना आप लोगों को लग रहा है कोई और विनर होना चाहिए था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।